है केमास न्यूज़, हर समय आपके साथ मैं हूं राम सुंदर। केमास न्यूज़ की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए, अपने क्षेत्र की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें केमास न्यूज़ ऐप। आइए ले चलते हैं आपको खबरों की तरफ। केमास न्यूज़ में आपका स्वागत है। आशिक मिजाज थाने का पैरोकार महिला के व्हाट्सएप पर भेजा अश्लील वीडियो, मचा हड़कंप। मामला प्रयागराज जिले के हड़िया उतराव थाने का। आशिक मिजाज पैरोकार महिला के व्हाट्सएप पर अश्लील वीडियो डाल दिया, जिससे आहत पीड़ित महिला ने मुख्यमंत्री और अफसरों को पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। मामले में आरोपी पैरोकार के खिलाफ शुक्रवार को पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। उतराव के एक गांव की एक महिला ने न्यायालय में मुकदमा लड़ रही थी। इसी बीच उतराव थाने का पैरोकार सीताराम पांडे ने महिला से मुलाकात हुई। आशिक मिजाज पैरोकार ने महिला का मोबाइल नंबर लिया और व्हाट्सएप से जुड़ गया। फिर क्या था, पैरोकार महिला की मजबूरी समझ उससे नज़दीकियां बनाने लगा। इसी बीच महिला के व्हाट्सएप पर कई दिन अश्लील फोटो डाल दिया। महिला कुछ दिन तक अनसुना करती रही। हद पार होने से फोन पर हिदायत भी दी, लेकिन आशिक मिजाज पैरोकार अपनी आदत से सुधर नहीं पाया। वह 6 जून को रात में 8 जून सुबह महिला के व्हाट्सएप पर कई बार अश्लील वीडियो डाल दिया, उसके बाद मैसेज भी भेजा, देखने के बाद डिलीट कर देना। थक हार कर तंग महिला आशिक मिजाज पैरोकार सिपाही को सबक सिखाने को ठान लिया। मामले की शिकायत मुख्यमंत्री और एसएसपी से करके कार्रवाई की मांग की, जिस पर उतराव पुलिस ने मामले में शुक्रवार की रात सिपाही के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है, जिससे एक बार फिर खाकी पर दाग लगता नजर आ रहा है। हमारे संवाददाता महावीर सिंह की एक रिपोर्ट। सर, यह है, यह घटना है कि मतलब उतराव थाने का एक सिपाही है, हाँ एक पुराना मुकदमा मेरा चल रहा था तो उसमें आते जाते समय मेरे मोबाइल नंबर ले लिए सर, मेरे व्हाट्सएप से जुड़ गए। मेरे व्हाट्सएप से जुड़ने के बाद सर मतलब गंदी गंदी वीडियो मतलब भेजते, रात 11 बजे 12 बजे 3 बजे कई बार सर मना किया लेकिन माने नहीं। फिर और ऑनलाइन पढ़ाई लड़कियन का चला था, हाँ क्लास ले थी लड़कियन ऑनलाइन, तो रोज़ ऐसे मतलब सोची जा दे अब मान जही अब मान जही, तो नहीं माने। नुकरे बाद एक दिन लड़कियन पढ़त रहन, अब वो चीज़ लड़कियन देख गए, तब ऐसे बहुत मतलब तकलीफ हमारी भाग के देखा। इन्हें तना उठा गिर गया है कि मना करे मानन नहीं है, तब वही हम गए उतना थाने में लिखित कार्रवाई दिया, तो कहें ठीक है। अब 8 तारीख के मौखिक कहा गया, 10 तारीख के लिखित कार्रवाई यशो खान में दिए, ओकरे बाद कौनों कार्रवाई नहीं भी ठीक। ओकरे बाद कई लोग इन लोग आई आई दबाव उनका बनाए लगे कि मतलब अपन FIR वापस ले लें, नहीं तो तोहका जाना थू, हम पुलिस वाले हैं मरवा देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, तमाम बातें हो लगी। ओकरे बाद हम कहे चलो ठीक भाई, हम फिर ना जावे कहूँ दरख्वास्त दे देश हमका दबाव बनाए लगे, तो हम नहीं मतलब एक दिन इलाहाबाद गए, इलाहाबाद से दबाव बनाए हमका वापस लिया लेन 15 तारीख के 15 मई के वथा जून के, ओकरे बाद 16 जून के फिर हम गए, फिर गए तो SSP के यहाँ लिखित कार्रवाई हुआ देखा है। ओकरे बाद हुआ से जब कार्रवाई हुई आई गई तो कल रात में एक जीप भर के आए, चार पाँच लोग मतलब जेंट्स रहे, दो थी मतलब महिला सिपाही रहे, घर में घुस गई। घर में घुसे के बाद मोबाइल छीने लगे और बहुत बहुत कहे वीडियो मतलब उसको उड़ाओ, उनका कहे तो ज़बरदस्ती छीना तो मोबाइल नहीं दिया। ओकर बाद फिर अपन फिर चला गए, ओकर बाद जन भाई अब उठा हो चाहे आप करत हैं लोग, अब हम सही बड़े करत थे ते लोग हमका इतना परेशान करत थे, आखिर हमारे उसमें गलती का, अब हमारे मोबाइल का छीना था, उल्टा सीधा धमकी रोज़ धमकी मिला था, कहा थे हम पुलिस वाले हैं ऐसे कर देंगे मरवा देंगे ये कर देंगे वो कर देंगे, फिर दोबारा तुम थाने में आओगी तुम्हारा मतलब सुनवाई नहीं होगा। हम कहा ठीक। 9:30 बजे सर। कितने लोग थे? दो महिला सिपाही थी और उसके बाद जीप में 4-5 लोग मतलब जेंट्स थे, उतरे नहीं थे वो लोग, सब जीप में बैठे थे। आपसे बतमीजी कौन थी है? महिला सिपाही, देखो नाम उनका याद नहीं है लेकिन दो हैं, दो थे।